रिपीट, ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, जो ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, यानी जो टैब है नल, उसका हमने सक्सेसफुली जो है स्पिंडल हमने चेंज किया है। ये जो स्पिंडल का जो नल है, ये ओल्ड वाला नल है, जिसे फुल टर्न नल भी कहा जाता है। इसके जो स्पिंडल होते हैं गाइस, ये फुल टर्न वाले होते हैं। आप देख सकते हैं कितना राउंड घुमा है ये। तो ये फुल टर्न वाले बिपकॉक होते हैं, जो पहले बहुत पुराने जो थे वो आते थे। तो कस्टमर ने कहा कि उन्हें नया नल नहीं चाहिए, बस वही जूना नल हमें उन्हें रिपेयर करना है। तो गाइस, पहले के जो वीडियो थी उसी तरीके से हम ये ओपन करेंगे। इसमें जो नया है गाइस, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। गाइस, ये वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये ओल्ड नल रहने से हमारे को इतना दिक्कत दे रहा था। तो हमने अब क्या किया गाइस, इसको अच्छी तरीके से पुश करके अब हम इसके स्पिंडल को जो है वो ओपन करेंगे। तो थोड़ी सी ताकत लगेंगे गाइस, आप देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से जो है हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम पानी की मदद से हम ये ओल्ड वाला स्पिंडल हमने बाहर निकाला। देख सकते हैं इसकी हालत गाइस, ये रहा हमारा ओल्ड वाला नल। तो जैसे स्पिंडल निकल गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, ताकि अंदर जितना भी जो भी डस्ट लगा हुआ है, गाना है, हम उसको पहले अच्छे से साफ़ करेंगे। मैं जो वीडियो है उसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो स्पिंडल आते हैं ओल्ड, इसके नंबर आते हैं गाइस 1 से लेके 6 नंबर तक। तो हमें उसको सिर्फ मैच करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर वाला स्पिंडल मैच हो गया। तो दिक्कत गाइस यहाँ पे ये आ रही है, ये जूना स्पिंडल रहने से इसका जो नॉब है, ये अभी पूरी तरह से रश खाया हुआ है और वो पूरी तरह से जाम हुआ है। तो नया वाला स्पिंडल बैठ नहीं रहा है। तो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इसे हम कानस कहते हैं, ये पेंसिल कानस है। हमें बस क्या करना है, जो नॉब जहाँ पे बैठते हैं वो जगह को हमें अच्छे तरीके से घस के जो है वो नॉब बैठने की, जो स्पिंडल बैठने की जगह है, उसे हम बनाएंगे। तो अच्छे तरीके से चारों तरफ से जो है हमें इसको कानस से भी सेफ, यानी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें इसे घसना है, ताकि जो स्पिंडल है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो थोड़ा हम क्या करेंगे, नॉब को भी थोड़ा घसेंगे, और उसके बाद स्पिंडल को भी चारों ओर से हमें घसना है, ताकि स्पिंडल की जो साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी हो जाए। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये नया था सिस्टम, इसीलिए गाइस मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस तरीके से हम पेंसिल का नस से जो है चारों ओर से हमें इसे घसना है। उसके बाद जो है पूरी तरीके से बन जाने के बाद हमें पहले नल में स्पिंडल फिट करना है। देख सकते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और आपके रिलेटेड जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, स्पिंडल बैठने के बाद थोड़ा सा हथौड़ी से उसे पुश करेंगे, ताकि स्पिंडल अच्छी तरीके से बैठ जाए। हो गया गाइस, इतना ही काम था। इसी तरीके से आप भी घर बैठे जो है वो स्पिंडल आप रिपेयर कर सकते हैं। जो जूना नल है उसे भी हमने 100 रुपीज़ में भी इसको रिपेयर कर दिया। मार्केट में इसका प्राइस 350 से 450 तक का नल आता है। तो देख सकते हैं अभी ये नल जो है पूरी तरीके से कस्टमर के पास जाने के लिए रेडी हो गया है। जैसा उन्होंने नया नल लिया था, उसी तरीके से अब ये फिक्स हो गया है। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले दोस्तों। चैनल पर नए हो तो, इसीलिए मैंने जो है आपको ट्रेलर में दिखाया था कि ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। तो फिर से एक मज़ेदार क्लिप डालते हैं। सुपर हिट, सुपर हिट, ऑपरेशन सक्सेसफुल।